इसको आप सर्व कर सकते हैं विथ राइस। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रीन बास्केट। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो यस, आज की वीडियो, आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक डिफरेंट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि आज कीमा भिंडी की रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। अब तक आपने कीमा मटर, कीमा आलू, सादा कीमा, कीमे की काफ़ी सारी फ्राइड कीमा, ये सब खा चुके होंगे, टेस्ट कर चुके होंगे, लेकिन कीमा भिंडी शायद ही आपने कभी बनाया होगा और टेस्ट किया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सबसे पहले मैंने 2.5 चम्मच सरसों का तेल लिया, जिसमें मैंने प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया। अब मैंने 1/2 किलो कीमा, 1/2 किलो भिंडी ली। कीमा आप किसी का भी ले सकते हैं, चाहे चिकन का, मटन का या बीफ का, जिसका आपको पसंद हो। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ ऐड करने लगी हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 बड़ा चम्मच। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ी देर ऐसे ही चला चला कर पकाएंगे। पकाने के बाद इसका कलर रेड से ब्राउनिश की तरफ होने लगा, तब इसमें हल्दी ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे और पिसी मिर्च, पिसी लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया, पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। खड़े मसालों में हम लेंगे लौंग, काली मिर्च, शहजीरा और थोड़ी सी दालचीनी। ये सब अच्छे से मिक्स करके 1 सीटी के लिए कुकर को बंद कर दीजिए। उसके बाद देखते हैं अदर साइड, भिंडी वाली साइड। भिंडी के लिए मैंने लोहे की कढ़ाई का यूज़ किया है, आप चाहें तो नॉनस्टिक कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्वाद की बात जो लोहे की कढ़ाई में है वो कहीं और कहाँ। तो यस, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, 1/2 किलो कीमा, 1/2 किलो भिंडी, तो मैंने ली है 1/2 किलो भिंडी। तेल पकने के बाद भिंडी को मैंने तेल में अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं ऐड करने लगी हूँ थोड़ा सा नमक, और नमक मिलाकर इसे अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करेंगे इसमें नींबू का रस और कटी हुई प्याज। आप बारीक भी काट सकते हैं, वरना चाहें तो इसे नॉर्मल साइज़ में ही कट करके मिक्स कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारे कीमे का क्या हाल हुआ है। तो कीमा अच्छे से पक चुका है, एक बार चला लीजिए और देख लीजिए कैसा हुआ है। तो ये सिर्फ उतना ही पका है जितना इसको पकाना था, एकदम परफेक्ट, ना ज़्यादा ना कम। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ भिंडी जो हमने अभी पकाई थी, देन इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे खोले में 5 मिनट पकाने के बाद मैंने इसमें मीट मसाला ऐड किया। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके अब तक सारी वीडियो बता दी है। अब आप सोच रहे होंगे क्वांटिटी तो बताई नहीं, कितना क्या लेना है, तो परेशान ना होइए, मैं उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इन्ग्रीडियंट्स विद क्वान्टिटी बता दूँगी। खुशबू के लिए मैं थोड़ा सा कटा धनिया ऐड करने लगी हूँ, देन इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब बारी है सर्विंग की, तो चलिए सर्व करते हैं और उसे गार्निश करते हैं धनिया की थोड़ी सी पत्तियों से, नींबू की एक स्लाइस से और कटी हुई 2-3 हरी मिर्च से। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी, कमेंट में ज़रूर बताइए, और भिंडी कीमे की ये रेसिपी अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। और हाँ, हमारे चीफ गेस्ट से मिलने के लिए अंत तक ज़रूर बने रहिए।
किट्टू खा लिया, कैसा लगा? मजा आई किट्टू? मजा आई? मजा आ गई देखो।